तो फाइनली हम लोग धोनी के फार्म हाउस ईजा फार्म हाउस पहुंच गए हैं, जो हमारा बालडी एक गांव है, जगह है, इस जगह का नाम है बालडी। वहां पे हम लोग पहुंचे हैं और ये है सेम्बो। सेम्बो से जस्ट अंदर आएंगे तो चौक, सेम्बो चौक से 3 किलोमीटर अंदर ही यहाँ पड़ता है ईजा फार्म हाउस, जहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था और आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जब यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगा रहेगा और भी कुछ कुछ सब्जी। तो चलो आज फाइनली वो दिन आ गया और हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। और जब मैं पहली बार आई थी ना, तो उस समय ये गेट नहीं बना था, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा गेट है, देख सकते हैं कितना सुंदर ऐसे घोड़ा का डिज़ाइन बना हुआ है। और जस्ट उसके अंदर एक घर है जहाँ वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपना घोड़ा, तोता, खरगोश, बहुत सारी जो चीज़ है ना, जो आप उनके वीडियो में कभी कभी आप देख रहे होगे, पोनी वोनी, वो सब यहाँ रखा गया है। और जब भी उन लोगों को मन करता है ना उनसे मिलने आने का, तो वो लोग सब यहाँ आते हैं। तो ये है, और ये गेट हमेशा लॉक रहता है, ये हम लोगों के लिए तो नहीं खुला है। इसके बाद जो एक सेकेंड गेट है, वहाँ पर आप जा सकते हो, आराम से विजिट कर सकते हो फार्म। तो हम लोग जाएंगे अभी वहीं और जाके अंदर आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या है। तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, तो चलिए चलते हैं और आगे चल के दिखाते हैं कि फार्म के अंदर क्या क्या है। चलिए के ईजा फार्म हाउस के सेकंड वाले गेट के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट गेट मैंने आपको दिखाया वहां पे ताला लगा हुआ, वहां पे अभी एंट्री नहीं हो रहा है। और चलिए अब फटाफट चलते हैं इसके अंदर। इससे पहले भी मैंने इसका व्लॉग बनाया, उस समय यहां पे स्ट्रॉबेरी नहीं था और बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही दोबारा आके यहाँ का वीडियो बनाऊंगी। और अभी मुझे पता है कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हुआ है और भी बहुत कुछ लगा हुआ है, तो चलिए क्या क्या और लगा हुआ वो सब दिखाते हैं इसके अंदर चल के। तो चलिए चलते हैं फार्म के अंदर। आगे हम लोग इनके फार्म हाउस के अंदर, और ये 41 एकड़ में फैला हुआ है। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे, एक एक करके सारी चीजें देखते हैं क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रीनरी दिख रहा है इधर पे, यहाँ पे बकरियाँ लोग घास चर रही है। वर्षा यहाँ पे इनका व्लॉग शूट हो रहा है, चैलेंजिंग का। चलो यहाँ पे लगा हुआ है आम का पेड़ पूरे छोटे छोटे, जिसमें छोटे छोटा आम भी आ चुका है यार। हाँ यार, कौन सा पेड़ है, इसमें आम आ चुका है। हम लोग आम खाने आएंगे क्या आम के सीजन में? तो देख सकते हैं वहाँ पे घोड़ा दिख रहा है, और लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो वो वाला घर बन रहा था और अभी कंप्लीट हो चुका है। और वहाँ पे एक देख सकते हैं ब्लैक कलर का घोड़ा दिख रहा है, तो अब पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। बट उधर जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे वाइट घोड़ा भी है, ब्लैक घोड़ा भी है, ब्लैक और वाइट। इधर पे वाइट फेंस लगा हुआ, इसलिए वाइट घोड़ा पता नहीं चल रहा है, और वहाँ पे ब्लैक घोड़ा है। कितना सुंदर बादल आ रहा है, ऊन दे वर्षा, ऊन जैसा रखा हुआ लग रहा है, सुंदर सा व्यू आ रहा है, दिख रहा है। इधर पे भी अभी कुछ कुछ लगाया जा रहा है, कुछ तार जैसा भी बिछा हुआ है, और पता नहीं प्लास्टिक से ऐसे रैप किया हुआ क्या लगा हुआ, ये तो मुझे नहीं पता, तो पूछ के यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ क्या लगा हुआ है। सिटी के नाम पे हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो कोई भी यहाँ पे कोई बदमाशी नहीं कर सकता है, फुल सिक्योरिटी। और शायद पानी के लिए ये पाइप डाला हुआ है, आवाज आ रहा है। तो चलते हैं आगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारे लोग आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ अभी फिलहाल। चलिए चलते जल्दी जल्दी दिखाती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पे यहाँ के जितने स्टाफ है जो यहाँ पे मेहनत करते हैं, वो लोग सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे उन लोगों का खाना पीना हर कुछ होता है, और साथ में जितने भी सामान सब्जी है सब वहाँ स्टोरेज करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर बड़ा बड़ा ओल्ड धोनी के ईजा फार्म हाउस से निकला हुआ है, और ये यहाँ है अदरक, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये खरबूज का खेत है, और इसमें खरबूज हुआ भी है, मार्केट में आप देखते होंगे जो वाइट सा येलो येलो सा दिखता है, वाइट सा तो नहीं, देखिए यहाँ पे देख के। तो पूरा इतना बड़ा सा खेत जो है खरबूज की खेती हो रही है इसमें। देख
ये फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो अभी बस खेत से टूट के आया है और इसको छाटा जा रहा है बड़ा बड़ा, एक तरफ छोटे छोटे एक तरफ, देख सकते कितना फ्रेश फ्रेश दिख रहा है। चल के देखते हैं ना, मिट्टी मिट्टी सब खा सकते हैं। दूध जैसा लग रहा है खट्टा खट्टा, बस ट्राई करना वैसे तुम कर चुके। टमाटर देखो, खरीदना टमाटर घर पे नहीं है। मस्त है देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी में जो एक्स्ट्रा घास हो गया वो सबको निकाला जा रहा है कि और जो 10-15 दिन बचा हुआ है इसका सीजन उसमें अच्छे से स्ट्रॉबेरी हो और फिर हम लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो जाए और मिले। दिखाते हैं, बहुत अच्छा खासा एरिया में स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है कि अब सीजन ऑफ होने वाला है। इसका मेन पिक सीजन है नवंबर और दिसंबर। अगर आप लोगों को यहाँ आना हो तो आप तो नवंबर दिसंबर के टाइम पे आ सकते हैं। यहाँ पे सब दीदी लोग पूरा मेहनत कर रही है। आगे में तालाब है जहाँ पे मछली पालन होता है और वहाँ से ही मछली मारा जाता है। तो आगे बहुत कुछ है और धीरे धीरे और कुछ कुछ बन रहा है। और उधर पे कड़कनाथ मुर्गा भी रखा गया है। इधर हो रही है तरबूज की खेती। और यहाँ पे बहुत सारी बत्तख लोग ऐसे घूम रही है। तो फाइनली हम लोग ईजा फार्म हाउस घूम लिए और जो भी यहाँ पे कुछ कुछ सब्जी लगा है ना उन्होंने सोचे उसमें से कुछ कुछ घर लेकर जाते हैं। अब आए हैं तो ऑफकोर्स लेके जाना तो बनता है ना। यहाँ पे इतना ताजा ताजा जो टमाटर है मार्केट में भी अभी अवेलेबल है, सस्ता ही है, बट यहाँ पे 10 रुपये किलो मिल रहा है तो सोच रहे कि लेके चलते हैं। तो स्ट्रॉबेरी भी ले जा रहे हैं और देखते क्या क्या लेंगे, जो जो लेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। जस्ट खेत से टूट गया इधर से, इधर पे कुछ कुछ है और नहीं, थोड़ा फ्रेश कीड़ा कीड़ा मेरे को लग रहा है। बहुत सारा सामान लिए, क्या क्या लिए हैं? अदरक, पत्ता गोभी और ये है टमाटर। टमाटर जो जस्ट खेत से अभी तोड़ के लाया गया है। कितना पड़ा ये सब? 80 रुपए का टोटल है। टोटल 80 रुपीज है। ये है बहुत सारा लग रहा है। हाँ लग तो बहुत सारा है, भारी भी है। और ये अच्छा 50 रुपीज के जी, 50 रुपए का है अदरक और टमाटर 10 रुपए के जी है और ये भी 10 रुपए है। तो काफी ज्यादा सस्ता है यार और एकदम तुरंत तोड़ के ताजा है। इसमें ज्यादा और क्या ही बोल सकती हूँ, इतना ऑर्गेनिक हम लोग सब्जी खा रहे हैं। देखिए अगर आपको भी भाई धोनी सर के फार्म हाउस से सब्जी लेना है वो ताज़ा ताज़ा तो आप यहाँ पे आइए और लेके जाइए। तो सबसे पहले लोग जो जिसके लिए स्पेशली यहाँ आते हैं वो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, तो देख सकते हैं कितना सारा है जो हम लोग लिए एकदम रेड रेड और यहाँ से डायरेक्ट ये मार्केट जाता है। फिलहाल हम लोग खा के भी दिखाइए। अच्छा बिल्कुल, एकदम रेड का एक चुन के बढ़िया से खाते हैं। खट्टा मीठा है मेरा है। सब्जी लिए वो वर्ष और अभी लेके जा रहा है आगे में क्योंकि पॉली बैग यहाँ पे बैन है। प्रॉपरली सारी जगह बैन है इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो जब भी आप यहाँ आओ हमेशा कैरी बैग अपने साथ एक लेकर आना कि आओ और सब्जी मन कर गया खरीदने का तो उसमें भर भर के लेके जा सकते क्योंकि इतना सस्ता मिल रहा है। तो कोई भी ले जाना चाहेगा वो भी धोनी के फार्म हाउस आके, कौन नहीं ले जाना चाहेगा। तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं द चैलेंज की एकदम भर भर झोला स्ट्रॉबेरी लेके जा रहे हैं, टमाटर लेके जा रहे हैं मतलब, और वापस अभी हम लोग आएंगे उसको वापस करने के लिए इधर से। तो चलो चलते हैं फटाफट घर की तरफ, चलो चलते हैं यहाँ पे, बाय बाय। तो फाइनली हमने सब्जी ले ली है जो भी यहाँ पे मिल रहा था, और मम्मी भी खुश हो जाएगी कि चलो कही तो कुछ तो काम बढ़िया कि आज घूम के आ रही है तो सब्जी भी लेकर आ रही है। तो मस्त एकदम फ्रेश फ्रेश सब्जी हम लोगों ने ले लिया इजा फार्म से, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे घूम के। आप भी आना और आप भी मस्त वाला इंजॉय करना, क्योंकि देखो बहुत बड़ा एरिया है ना, उतने बड़े एरिया में घूमने नहीं दिया जाता, बट जितना भी है उतना भी आप घूमोगे ना उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं इसी के साथ घर, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। टाटा बाय बाय।